हेलो फ्रेंड, कैसे आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूलभुलैया 3 के 9वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन भूलभुलैया 3 को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं। फिल्म की कमाई से मेकर्स काफी खुश है। आए दिन कमाई के मामले में भूलभुलैया 3 अजय देवगन की सिंघम अगेन को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। दीपावली के मौके पर दो बड़े फिल्मों ने सिनेमा घर में दस्तक दी। एक तरफ कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की भूलभुलैया और दूसरी तरफ अजय देवगन और करीना कपूर की सिंघम अगेन। हाल ही में दोनों ही सितारों के पास अपने अपने फोर्स थी, जहां एक तरफ भूलभुलैया 3 में दो मंजुलिका के राज से पर्दा उठाया तो वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन और अपने सितारों की फोर्स के साथ बड़े पर्दे पर नजर आए। शुरुआत से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। दोनों ही फिल्मों की रिलीज के 9 दिन पूरे हो चुके हैं। दूसरे शनिवार को भूलभुलैया 3 ने जमकर कमाई की है। फिल्म की कमाई में काफी इजाफा देखने को मिला है। जैसे उम्मीद की गई थी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। वीकेंड पर दर्शक फिल्म देखने पहुंचे हैं। सिनेमिक की ताजा रिपोर्ट की माने तो भूलभुलैया 3 ने रिलीज के 9वें दिन 15 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार कर लिया है और टोटल कलेक्शन 183 करोड़ रुपए हो गए हैं। इसी के साथ ही दूसरे शनिवार को भी कार्तिक आर्यन ने अजय देवगन को कमाई के मामले में मात दे डाली है। अजय देवगन की सिंघम अगेन की बात करें तो इस फिल्म ने दूसरे शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए हैं। देखा जाए तो वीकेंड पर सिंघम अगेन की कमाई में भी इजाफा आया है। रिलीज के 8वें दिन फिल्म ने बहुत कम कमाई की थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म भूलभुलैया 3 को मात नहीं दे पाई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कार्तिक आर्यन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी दूर निकल जाएंगी। भूलभुलैया 3 में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित भी लीड रोल में है। विद्या बालन की वापसी फिल्म के लिए प्लस पॉइंट साबित हुई है। फिल्म में कॉमेडी भी है और डर भी। इस फिल्म के पिछले 2 पार्ट हिट रहे हैं। ऐसे में भूलभुलैया 3 को लेकर भी पहले से ही काफी बज बना हुआ था। फैन इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूलभुलैया 3 के 9वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन भूलभुलैया 3 को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं। फिल्म की कमाई से मेकर्स काफी खुश हैं। आए दिन कमाई के मामले में भूलभुलैया 3 अजय देवगन की सिंघम अगेन को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। दीपावली के मौके पर दो बड़े फिल्मों ने सिनेमा घर में दस्तक दी। एक तरफ कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की भूलभुलैया और दूसरी तरफ अजय देवगन और करीना कपूर की सिंघम अगेन। हाल ही में दोनों ही सितारों के पास अपने अपने फोर्स थी, जहां एक तरफ भूलभुलैया 3 में दो मंजुलिका के राज से पर्दा उठाया तो वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन और अपने सितारों की फोर्स के साथ बड़े पर्दे पर नजर आए। शुरुआत से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। दोनों ही फिल्मों की रिलीज के 9 दिन पूरे हो चुके हैं। दूसरे शनिवार को भूलभुलैया 3 ने जमकर कमाई की है। फिल्म की कमाई में काफी इजाफा देखने को मिला है। जैसे उम्मीद की गई थी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। वीकेंड पर दर्शक फिल्म देखने पहुंचे हैं। सिनेमिक की ताजा रिपोर्ट की माने तो भूलभुलैया 3 ने रिलीज के 9वें दिन 15 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार कर लिया है और टोटल कलेक्शन 183 करोड़ रुपए हो गए हैं। इसी के साथ ही दूसरे शनिवार को भी कार्तिक आर्यन ने अजय देवगन को कमाई के मामले में मात दे डाली है। अजय देवगन की सिंघम अगेन की बात करें तो इस फिल्म ने दूसरे शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए हैं। देखा जाए तो वीकेंड पर सिंघम अगेन की कमाई में भी इजाफा आया है। रिलीज के 8वें दिन फिल्म ने बहुत कम कमाई की थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म भूलभुलैया 3 को मात नहीं दे पाई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कार्तिक आर्यन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी दूर निकल जाएंगी।
भूल भुलैया 3 में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित भी लीड रोल में है। विद्या बालन की वापसी फिल्म के लिए प्लस पॉइंट साबित हुई है। फिल्म में कॉमेडी भी है और डर भी। इस फिल्म के पिछले 2 पार्ट हिट रहे हैं। ऐसे में भूल भुलैया 3 को लेकर भी पहले से ही काफी बज बना हुआ था। फैन इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल भुलैया 3 के 9वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं। फिल्म की कमाई से मेकर्स काफी खुश हैं। आए दिन कमाई के मामले में भूल भुलैया 3 अजय देवगन की सिंघम अगेन को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। दीपावली के मौके पर 2 बड़े फिल्मों ने सिनेमा घर में दस्तक दी। एक तरफ कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की भूल भुलैया और दूसरी तरफ अजय देवगन और करीना कपूर की सिंघम अगेन। हाल ही में दोनों ही सितारों के पास अपने अपने फोर्स थी। जहां एक तरफ भूल भुलैया 3 में 2-2 मंजुलिका के राज से पर्दा उठाया तो वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन और अपने सितारों की फोर्स के साथ बड़े पर्दे पर नजर आए। शुरुआत से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। दोनों ही फिल्मों की रिलीज के 9 दिन पूरे हो चुके हैं। दूसरे शनिवार को भूल भुलैया 3 ने जमकर कमाई की है। फिल्म की कमाई में काफी इजाफा देखने को मिला है। जैसी उम्मीद की गई थी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। वीकेंड पर दर्शक फिल्म देखने पहुंचे हैं। सनी की ताजा रिपोर्ट की माने तो भूल भुलैया 3 ने रिलीज के 9वें दिन 15 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार कर लिया है और टोटल कलेक्शन 183 करोड़ रुपए हो गए हैं। इसी के साथ ही दूसरे शनिवार को भी कार्तिक आर्यन ने अजय देवगन को कमाई के मामले में मात दे डाली है। अजय देवगन की सिंघम अगेन की बात करें तो इस फिल्म ने दूसरे शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए हैं। देखा जाए तो वीकेंड पर सिंघम अगेन की कमाई में भी इजाफा आया है। रिलीज के 8वें दिन फिल्म ने बहुत कम कमाई की थी लेकिन फिर भी ये फिल्म भूल भुलैया 3 को मात नहीं दे पाई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कार्तिक आर्यन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी दूर निकल जाएंगी। भूल भुलैया 3 में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित भी लीड रोल में है। विद्या बालन की वापसी फिल्म के लिए प्लस पॉइंट साबित हुई है। फिल्म में कॉमेडी भी है और डर भी। इस फिल्म के पिछले 2 पार्ट हिट रहे हैं। ऐसे में भूल भुलैया 3 को लेकर भी पहले से ही काफी बज बना हुआ था। फैन इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल भुलैया 3 के 9वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं। फिल्म की कमाई से मेकर्स काफी खुश हैं। आए दिन कमाई के मामले में भूल भुलैया 3 अजय देवगन की सिंघम अगेन को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। दीपावली के मौके पर 2 बड़े फिल्मों ने सिनेमा घर में दस्तक दी। एक तरफ कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की भूल भुलैया और दूसरी तरफ अजय देवगन और करीना कपूर की सिंघम अगेन। हाल ही में दोनों ही सितारों के पास अपने अपने फोर्स थी। जहां एक तरफ भूल भुलैया 3 में 2-2 मंजुलिका के राज से पर्दा उठाया तो वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन और अपने सितारों की फोर्स के साथ बड़े पर्दे पर नजर आए। शुरुआत से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। दोनों ही फिल्मों की रिलीज के 9 दिन पूरे हो चुके हैं। दूसरे शनिवार को भूल भुलैया 3 ने जमकर कमाई की है। फिल्म की कमाई में काफी इजाफा देखने को मिला है। जैसी उम्मीद की गई थी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। वीकेंड पर दर्शक फिल्म देखने पहुंचे हैं। सनी की ताजा रिपोर्ट की माने तो भूल भुलैया 3 ने रिलीज के 9वें दिन 15 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार कर लिया है और टोटल कलेक्शन 183 करोड़ रुपए हो गए हैं। इसी के साथ ही दूसरे शनिवार को भी कार्तिक आर्यन ने अजय देवगन को कमाई के मामले में मात दे डाली है। अजय देवगन की सिंघम अगेन की बात करें तो
इस फिल्म ने दूसरे शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए हैं। देखा जाए तो वीकेंड पर सिंघम अगेन की कमाई में भी इजाफा आया है। रिलीज के 8वें दिन फिल्म ने बहुत कम कमाई की थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म भूलभुलैया 3 को मात नहीं दे पाई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कार्तिक आर्यन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी दूर निकल जाएंगी। भूलभुलैया 3 में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित भी लीड रोल में है। विद्या बालन की वापसी फिल्म के लिए प्लस पॉइंट साबित हुई है। फिल्म में कॉमेडी भी है और डर भी। इस फिल्म के पिछले 2 पार्ट हिट रहे हैं। ऐसे में भूलभुलैया 3 को लेकर भी पहले से ही काफी बज बना हुआ था। फैन इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूलभुलैया 3 के 9वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन भूलभुलैया 3 को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं। फिल्म की कमाई से मेकर्स काफी खुश है। आए दिन कमाई के मामले में भूलभुलैया 3 अजय देवगन की सिंघम अगेन को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। दीपावली के मौके पर दो बड़े फिल्मों ने सिनेमा घर में दस्तक दी। एक तरफ कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की भूलभुलैया और दूसरी तरफ अजय देवगन और करीना कपूर की सिंघम अगेन। हाल ही में दोनों ही सितारों के पास अपनी अपनी फोर्स थी, जहां एक तरफ भूलभुलैया 3 में दो मंजुलिका के राज से पर्दा उठाया तो वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन और अपने सितारों की फोर्स के साथ बड़े पर्दे पर नजर आए। शुरुआत से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। दोनों ही फिल्मों की रिलीज के 9 दिन पूरे हो चुके हैं। दूसरे शनिवार को भूलभुलैया 3 ने जमकर कमाई की है। फिल्म की कमाई में काफी इजाफा देखने को मिला है। जैसी उम्मीद की गई थी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। वीकेंड पर दर्शक फिल्म देखने पहुंचे हैं। सिनेमिक की ताजा रिपोर्ट की माने तो भूलभुलैया 3 ने रिलीज के 9वें दिन 15 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार कर लिया है और टोटल कलेक्शन 183 करोड़ रुपए हो गए है। इसी के साथ ही दूसरे शनिवार को भी कार्तिक आर्यन ने अजय देवगन को कमाई के मामले में मात दे डाली है। अजय देवगन की सिंघम अगेन की बात करें तो इस फिल्म ने दूसरे शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए हैं। देखा जाए तो वीकेंड पर सिंघम अगेन की कमाई में भी इजाफा आया है। रिलीज के 8वें दिन फिल्म ने बहुत कम कमाई की थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म भूलभुलैया 3 को मात नहीं दे पाई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कार्तिक आर्यन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी दूर निकल जाएंगी। भूलभुलैया 3 में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित भी लीड रोल में है। विद्या बालन की वापसी फिल्म के लिए प्लस पॉइंट साबित हुई है। फिल्म में कॉमेडी भी है और डर भी। इस फिल्म के पिछले 2 पार्ट हिट रहे हैं। ऐसे में भूलभुलैया 3 को लेकर भी पहले से ही काफी बज बना हुआ था। फैन इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूलभुलैया 3 के 9वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन भूलभुलैया 3 को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं। फिल्म की कमाई से मेकर्स काफी खुश है। आए दिन कमाई के मामले में भूलभुलैया 3 अजय देवगन की सिंघम अगेन को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। दीपावली के मौके पर दो बड़े फिल्मों ने सिनेमा घर में दस्तक दी। एक तरफ कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की भूलभुलैया और दूसरी तरफ अजय देवगन और करीना कपूर की सिंघम अगेन। हाल ही में दोनों ही सितारों के पास अपनी अपनी फोर्स थी, जहां एक तरफ भूलभुलैया 3 में दो मंजुलिका के राज से पर्दा उठाया तो वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन और अपने सितारों की फोर्स के साथ बड़े पर्दे पर नजर आए। शुरुआत से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। दोनों ही फिल्मों की रिलीज के 9 दिन पूरे हो चुके हैं। दूसरे शनिवार को भूलभुलैया 3 ने जमकर कमाई की है। फिल्म की कमाई में काफी इजाफा देखने को मिला है।
जैसे उम्मीद की गई थी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। वीकेंड पर दर्शक फिल्म देखने पहुंचे हैं। सैनिक की ताजा रिपोर्ट की माने तो भूलभुलैया 3 ने रिलीज के 90 दिन 15 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार कर लिया है और टोटल कलेक्शन 183 करोड़ रुपए हो गए हैं। इसी के साथ ही दूसरे शनिवार को भी कार्तिक आर्यन ने अजय देवगन को कमाई के मामले में मात दे डाली है। अजय देवगन की सिंगर मगन की बात करें तो इस फिल्म ने दूसरे शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए हैं। देखा जाए तो वीकेंड पर सिंगर मगन की कमाई में भी इजाफा आया है। रिलीज के 8वें दिन फिल्म ने बहुत कम कमाई की थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म भूलभुलैया 3 को मात नहीं दे पाई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कार्तिक आर्यन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी दूर निकल जाएंगी। भूलभुलैया 3 में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित भी लीड रोल में है। विद्या बालन की वापसी फिल्म के लिए प्लस पॉइंट साबित हुई है। फिल्म में कॉमेडी भी है और डर भी। इस फिल्म के पिछले 2 पार्ट हिट रहे हैं। ऐसे में भूलभुलैया 3 को लेकर भी पहले से ही काफी बज बना हुआ था। फैन इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूलभुलैया 3 के 90 दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन भूलभुलैया 3 को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं। फिल्म की कमाई से मेकर्स काफी खुश हैं। आए दिन कमाई के मामले में भूलभुलैया 3 अजय देवगन की सिंघम अगेन को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। दीपावली के मौके पर 2 बड़े फिल्मों ने सिनेमा घर में दस्तक दी। एक तरफ कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की भूलभुलैया और दूसरी तरफ अजय देवगन और करीना कपूर की सिंघम अगेन। हाल ही में दोनों ही सितारों के पास अपने अपने फोर्स थी, जहां एक तरफ भूलभुलैया 3 में 2-2 मंजुलिका के राज से पर्दा उठाया तो वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन और अपने सितारों की फोर्स के साथ बड़े पर्दे पर नजर आए। शुरुआत से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। दोनों ही फिल्मों की रिलीज के 9 दिन पूरे हो चुके हैं। दूसरे शनिवार को भूलभुलैया 3 ने जमकर कमाई की है। फिल्म की कमाई में काफी इजाफा देखने को मिला है। जैसी उम्मीद की गई थी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। वीकेंड पर दर्शक फिल्म देखने पहुंचे हैं। सैनिक की ताजा रिपोर्ट की माने तो भूलभुलैया 3 ने रिलीज के 90 दिन 15 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार कर लिया है और टोटल कलेक्शन 183 करोड़ रुपए हो गए हैं। इसी के साथ ही दूसरे शनिवार को भी कार्तिक आर्यन ने अजय देवगन को कमाई के मामले में मात दे डाली है। अजय देवगन की सिंगम अगेन की बात करें तो इस फिल्म ने दूसरे शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए हैं। देखा जाए तो वीकेंड पर सिंगम अगेन की कमाई में भी इजाफा आया है। रिलीज के 8वें दिन फिल्म ने बहुत कम कमाई की थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म भूलभुलैया 3 को मात नहीं दे पाई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कार्तिक आर्यन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी दूर निकल जाएंगी। भूलभुलैया 3 में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित भी लीड रोल में है। विद्या बालन की वापसी फिल्म के लिए प्लस पॉइंट साबित हुई है। फिल्म में कॉमेडी भी है और डर भी। इस फिल्म के पिछले 2 पार्ट हिट रहे हैं। ऐसे में भूलभुलैया 3 को लेकर भी पहले से ही काफी बज बना हुआ था। फैन इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूलभुलैया 3 के 90 दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन भूलभुलैया 3 को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं। फिल्म की कमाई से मेकर्स काफी खुश हैं। आए दिन कमाई के मामले में भूलभुलैया 3 अजय देवगन की सिंघम अगेन को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। दीपावली के मौके पर 2 बड़े फिल्मों ने सिनेमा घर में दस्तक दी। एक तरफ कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की भूलभुलैया और दूसरी तरफ अजय देवगन और करीना कपूर की सिंघम अगेन। हाल ही में दोनों ही सितारों के पास अपने अपने फोर्स थी,
जहाँ एक तरफ भुलभुलैया तीन में दो दो मंजुलिका के राज से पर्दा उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन और अपने सितारों की फोर्स के साथ बड़े पर्दे पर नजर आए। शुरुआत से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। दोनों ही फिल्मों की रिलीज के 9 दिन पूरे हो चुके हैं। दूसरे शनिवार को भुलभुलैया 3 ने जमकर कमाई की है। फिल्म की कमाई में काफी इजाफा देखने को मिला है। जैसी उम्मीद की गई थी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। वीकेंड पर दर्शक फिल्म देखने पहुंचे हैं। सेनेमिक की ताजा रिपोर्ट की माने तो भुलभुलैया 3 ने रिलीज के 90 दिन 15 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार कर लिया है और टोटल कलेक्शन 183 करोड़ रुपए हो गए हैं। इसी के साथ ही दूसरे शनिवार को भी कार्तिक आर्यन ने अजय देवगन को कमाई के मामले में मात दे डाली है। अजय देवगन की सिंगर मगन की बात करें तो इस फिल्म ने दूसरे शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए हैं। देखा जाए तो वीकेंड पर सिंगर मगन की कमाई में भी इजाफा आया है। रिलीज के 8वें दिन फिल्म ने बहुत कम कमाई की थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म भुलभुलैया 3 को मात नहीं दे पाई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कार्तिक आर्यन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी दूर निकल जाएंगी। भुलभुलैया 3 में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित भी लीड रोल में है। विद्या बालन की वापसी फिल्म के लिए प्लस पॉइंट साबित हुई है। फिल्म में कॉमेडी भी है और डर भी। इस फिल्म के पिछले 2 पार्ट हिट रहे हैं। ऐसे में भुलभुलैया 3 को लेकर भी पहले से ही काफी बज बना हुआ था। फैन इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भुलभुलैया 3 के 9वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन भुलभुलैया 3 को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं। फिल्म की कमाई से मेकर्स काफी खुश हैं। आए दिन कमाई के मामले में भुलभुलैया 3 अजय देवगन की सिंगम अगेन को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। दीपावली के मौके पर दो बड़े फिल्मों ने सिनेमा घर में दस्तक दी। एक तरफ कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की भुलभुलैया और दूसरी तरफ अजय देवगन और करीना कपूर की सिंगम अगेन। हाल ही में दोनों ही सितारों के पास अपने अपने फोर्स थी, जहां एक तरफ भुलभुलैया 3 में दो दो मंजुलिका के राज से पर्दा उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन और अपने सितारों की फोर्स के साथ बड़े पर्दे पर नजर आए। शुरुआत से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। दोनों ही फिल्मों की रिलीज के 9 दिन पूरे हो चुके हैं। दूसरे शनिवार को भुलभुलैया 3 ने जमकर कमाई की है। फिल्म की कमाई में काफी इजाफा देखने को मिला है। जैसी उम्मीद की गई थी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। वीकेंड पर दर्शक फिल्म देखने पहुंचे हैं। सेनेमिक की ताजा रिपोर्ट की माने तो भुलभुलैया 3 ने रिलीज के 90 दिन 15 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार कर लिया है और टोटल कलेक्शन 183 करोड़ रुपए हो गए हैं। इसी के साथ ही दूसरे शनिवार को भी कार्तिक आर्यन ने अजय देवगन को कमाई के मामले में मात दे डाली है। अजय देवगन की सिंगम अगेन की बात करें तो इस फिल्म ने दूसरे शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए हैं। देखा जाए तो वीकेंड पर सिंगम अगेन की कमाई में भी इजाफा आया है। रिलीज के 8वें दिन फिल्म ने बहुत कम कमाई की थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म भुलभुलैया 3 को मात नहीं दे पाई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कार्तिक आर्यन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी दूर निकल जाएंगी। भुलभुलैया 3 में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित भी लीड रोल में है। विद्या बालन की वापसी फिल्म के लिए प्लस पॉइंट साबित हुई है। फिल्म में कॉमेडी भी है और डर भी। इस फिल्म के पिछले 2 पार्ट हिट रहे हैं। ऐसे में भुलभुलैया 3 को लेकर भी पहले से ही काफी बज बना हुआ था। फैन इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।